आउट सॉरी uh, असल में मैचेस हैं जो है न्यूजीलैंड में शुरू होने वाली सीरीज़ है तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था क्योंकि क्रिकेटर्स को भी तैयारी करनी पड़ती है मैचेस खेलने से पहले लेकिन अभी ऐसी सीरीज़ है और आगे फिर वर्ल्ड कप भी ऐसा आ रहा है कि फैंस को भी अब तैयारी करनी पा रही है कि हमने मैचेस किस तरह देखने हैं और सुबह सात बजे मैच है ये सोच सोच कर मुझे तो अभी से नींद आ रही है और मैं सो सो भी गया था और मैं तैयारी कर रहा था कि मैच देखते हुए हमारी हालत क्या होगी तो वही मैं देखते देखते सो गया था तो हम जैसे लोग जो कि मैं उठता हूँ तकरीबन तो बारह एक बजे रोज़ाना और उनके लिए स्पेशल सुबह सात बजे उठना क्रिकेट के लिए Uh, उठते तो हैं हम क्रिकेट लवर्स जो हैं जो जिनका पैशन है क्रिकेट का वो आप सुबह चार बजे मैच हम न्यूजीलैंड में तीन बजे जो क्रिकेट मैच टेस्ट मैच का स्टार्ट होता है हम वो भी सारा जाग के देखते हैं तो सात बजे भी उठ जाएंगे लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रपरेशन हमें एक दो दिन पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए तो कल से जी शुरू होने जा रही है पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की वन ऑफ इट्स काइंड ट्राई सीरीज टी क्रिकेट की और जो कि इससे पहले आई थिंक पाकिस्तान जब खेला था वो खेला था जी 2018 में वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ में ट्राई सीरीज हुई थी और पाकिस्तान ने उसका फाइनल जीता था ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी फ़खर जमान ने वन का टारगेट हमने कुछ चेज़ किया था इस तरह से तो वो थोड़ी सी याद मुझे आज वापस आ रही थी मैंने ट्वीट भी की थी इस से कि लास्ट टाइम जब हमने एट्टी ट्राई सीरीज़ खेली थी तो हम चैंपियन बने थे लेकिन इस बार कंडीशंस डिफ़िकल्ट होंगी बांग्लादेश की टीम को टी ट्वेंटी क्रिकेट में थोड़ा सा हल्का माना जा सकता है लेकिन न्यूज़ीलैंड अपनी कंडीशंस में बहुत एक टफ टीम साबित हो सकती है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हम फाइनल जीतेंगे फाइनल तक पहुँच जरूर जाएंगे लेकिन फाइनल जीतने की एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है और एक्सपेक्टेशन जितनी कम हो पाकिस्तान से उतना बेहतर वो परफॉर्म करते हैं जब कोई भी उम्मीद ना रख रहा हो कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगी या टूर्नामेंट जीत जाएगी तो पाकिस्तान तभी ही मेडिकल्स वगैरह करता है तो अनप्रडिक्टेबल्स पाकिस्तान को इसी कहा जाता है तो कल तैयारी आप लोग भी उम्मीद कर रहे होंगे कि सारे लोगों के वैसे स्कूल भी हैं बच्चे जो हैं वो तो मुझे भी काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे कि इतनी सुबह सुबह मैचेस रख दिए अब हम स्कूल जाएंगे या मैच देखेंगे और हम लोग जो कोई जॉब वगैरह करते हैं वो तो लेट ही उठते हैं तो अगर शाम करके ड्यूटी हो इस तरह तो वो सात बजे किस तरह उठेंगे वो तो थोड़ा सा है सीन वगैरह लेकिन देखते हैं तो स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड जो है वो तो सेम ही है जो हमारा इंग्लैंड थी, same squad जा रहा। उसमें शहीन अवेलेबल नहीं है अभी हमें और जमान भी अवेलेबल नहीं है तो क्या वो ही होंगी जो, खेली इंग्लैंड की उसमें भी शफल करना चाहिए इस सीरीज में भी करना चाहिए उसकी रीजन में आपको बता दूँ कि सात को शुरू हो रही है सीरीज और चौदह को फाइनल खेला जाएगा तो ये आठ दिन है आठ दिन में पाकिस्तान के मैक्सिमम पाँच मैच हो सकते हैं लगातार और कम से कम चार मैच हो सकते हैं तो आठ दिन में पाँच मैच खेलना इज़ वेरी टफ फॉर एवरी क्रिकेटर और आगे वर्ल्ड कप भी आ तो वर्ल्ड कप के लिए टीम फ्रेश uh, भी रहना है प्लेयर्स को और थोड़ी सी अपनी कह लें कि रेस्ट वगैरह भी चाहिए होगा तो शफल करना पड़ेगा जैसे हमने इंग्लैंड सीरीज़ में शफल किया इस सीरीज़ में भी शफल करेंगे लेकिन शफल ज़रूर करें लेकिन आप जो प्लेइंग एलेवन खिलाएं उस उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए फिर उसको सही से यूटिलाइज़ करें उसमें बैटिंग ऑर्डर को चेंज करें उसमें आप लोग फील्डिंग अच्छी करें बॉलर्स को सही तरह से कैप्टन यूटिलाइज़ करें वहाँ पर कुदरत का निज़ाम हम नहीं मानेंगे भाई अब अब जो है आपको सही क्रिकेट खेलनी होगी आपको काफ़ी हमने दे दिया मार्जिन पिछले वर्ल्ड कप में भी मार्जिन दिया हमने हमने एशिया कप में मार्जिन दिया हमने इंग्लैंड की सीरीज में मार्जिन दे दिया लेकिन अब हर बार ये नहीं चलेगा अब आप ज़रा टेक्निकल तरफ आएं और क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश करें ये ना करें कि भाई एक मैच हमने हारना है एक मैच हमने जीतना है कुदरत का निज़ाम इस तरह चलता है तो थोड़ा सा बाहर निकलें थोड़ी सी सेंसिबल बातें आप होनी चाहिए तो खैर शेड्यूल थोड़ा सा देख लेते हैं जी पाकिस्तान बांग्लादेश कल सात बजे खेला जाएगा उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेला जाएगा इस सैटरडे को ग्यारह बजे वो मैच होगा ग्यारह बजे फिर एक सूटेबल थोड़ा सा समझ आती है कि टाइम है उसके बाद इतवार को खेला जाएगा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच जो कि ग्यारह बजे शुरू होगा ये दो वीकेंड के मैच हैं सैटरडे संडे जी ग्यारह बजे होंगे उसके बाद मंडे को मैच नहीं है मंडे को थोड़ा सा रेस्ट है उसके बाद ट्यूजडे को हम वापस आ जाएंगे दोबारा सात बजे के मैच फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा ट्यूजडे वाले दिन वेडनेसडे को फिर न्यूजीलैंड बांग्लादेश का खेला जाएगा सात बजे फिर थर्सडे को खेला जाएगा जी पाकिस्तान और बांग्लादेश का सात बजे फिर फाइनल होगा जुम्मे वाले दिन वो भी सात बजे ही खेला जाएगा ज़्यादा चांस यही है कि पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड का ही फाइनल होगा तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान थोड़ी अपनी गलतियाँ जो है उनसे कुछ सीखे उनको ना दोहराए और थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेले इस सीरीज़ में और फिर आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उसमें भी हमें अपने जो खिलाड़ी हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड चाहिए वहाँ पर पहला मैच 23 तेईस को खेला जाएगा जी आ, इंडिया के खिलाफ उसके पहले दो वार्म अप मैच भी हैं आ, तो ये थी प्रीव्यू ऑफ द ट्राई सीरीज़ इसमें भी हम हाँ फुली एक्टिव रहेंगे आपके साथ पहले लाइव तो नहीं करेंगे क्योंकि सुबह साढ़े छः या छः बजे उठ के तो मैं लाइव करने वाला नहीं हूँ तो मैच के बाद शायद हो सकता है कि आपके साथ पोस्ट रिव्यू किया जाए मैच का इसका तो वीडियोस आती रहेंगे रेगुलर हमने टारगेट है फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स का बिफोर ट्वेंटी सेकेंड क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमने कम्प्लीट करने तो 3000 सब्सक्राइबर रहते हैं हमारे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को शेयर जरूर कर दें बाकीियों को भी कहें सब्सक्राइब जरूर करें इन हमारा टारगेट फिफ़्टी का पूरा होगा वर्ल्ड कप से पहले तो नाजिन आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़